हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा क्लास ट्वेल्थ के अंदर इंग्लिश के पेपर के लिए कि इस बार पेपर पैटर्न किस तरीके से आने वाला है, पिछली बार की अपेक्षा इस बार क्या सुधार किया गया है। इंग्लिश में स्कोरिंग थोड़ी आसान हो गई है बच्चों, कि आप लोगों को पिछली बार स्कोरिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी और पेपर भी हार्ड लेवल का रह गया था क्योंकि MCQ जो थे वो थोड़ा सा पार्ट के बीच में से ज़्यादा थे और इस तरीके से जो सेक्शन ए था वो थोड़ा हार्ड चला गया बच्चों के लिए। इस बार थोड़ा चेंजिंग के साथ में पेपर आने वाला है, वो चेंजिंग क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो PDF का लिंक है वो भी आपको दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम पर आपको ये PDF भी अवेलेबल हो जाएगी सॉल्व्ड पेपर फर्स्ट की। इसके अलावा पूरा डेस्क वर्क का दूसरा तीसरा चौथा मतलब पूरे 9 तक पेपर संजीव डेस्क वर्क के वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे जल्दी ही, कल या परसों तक। तो जो आपकी तैयारी के लिए, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो उनकी भी आप PDF मतलब उससे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक से। तो बिना स्किप किए वीडियो देखिए जो हम पहली बात करते हैं सेक्शन ए की। मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए बता रही हूँ बच्चों, तबीयत बहुत ख़राब होने के बाद में भी आवाज़ भी देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब है गला, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। देखिए जो अब की बार है, पैसेज आ गए हैं सेक्शन ए में, दो पैसेज आए हैं। दो पैसेज में एक जो पैसेज है वो 9 नंबर का है, एक पैसेज है वो 6 नंबर का है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास में 9 नंबर में पैसेज आया है, इसके अंदर से आपके पास में 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इनके आंसर्स भी आपके पास में अवेलेबल है क्योंकि सॉल्व पेपर फर्स्ट का है ये। फिर देखिए आपके पास में सेकंड है 6 नंबर का, लेकिन इसमें जो आपके पास में क्वेश्चंस पूछे गए ना बच्चों वो MCQs के रूप में पूछे गए हैं और इसी पैराग्राफ्स में से पूछे गए हैं, इसलिए आसान सा रहेगा, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है ये और बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास में नंबर गेन करने का, ठीक है। तो इसी में से पूछे जाएंगे ये 6 क्वेश्चन, आपको इस तरीके से सारणी बना करके आपको अपनी कॉपी में अटेंड करना। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो 9 और 6 15 नंबर का आपके पास में जो पहला सेक्शन रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी में, सेक्शन बी में देखिए आपके पास में एक आया है नोटिस 4 नंबर का, नोटिस के साथ में आपके पास में और में यानी कि अथवा में दे रखा है आपको एक लेटर, ठीक है, लेटर है ये, एप्लीकेशन है ये, देखिए फॉर्मल लेटर ही है, ठीक है, ये है इसकी भी 4 नंबर का ही है क्योंकि अथवा में है 3 नंबर वाला क्वेश्चन में, 4 नंबर में फिर आपके पास में एक है देखिए रिपोर्ट तैयार करनी है एक फूड पॉइजनिंग इन अ मैरिज 5 नंबर की, इसके साथ में अथवा में आपके पास में देखिए इस बार चेंज एक बहुत मेजर चेंजिंग की गई है पेपर में बोर्ड के पैटर्न में, कि आपको अथवा में एक जो पैराग्राफ दिया जाएगा उसका हिंदी करना है, हिंदी अनुवाद 5 नंबर का इजी रहेगा बच्चों आप लोगों के लिए करना, थोड़ा फोकस करिए इसके ऊपर कि आपको हिंदी ट्रांसलेशन आ सके, इसकी इंग्लिश की इंग्लिश टू हिंदी समझना आसान होता है, कर पाएंगे आप 5 नंबर आपके पास में ये मार्क्स, ठीक है। तो आपके पास में ये रहेगा एक, उसके बाद में आपके पास में ये है देखिए एक, फिर आपके पास में एक लेटर आया है और ऑर्डर के लिए कि आपके पास में ये देखिए डिले इन द सप्लाई ऑफ बुक्स, इसके लिए आपके पास में लेटर लिखा है आपने और फिर इसके साथ में आपके पास में फिर एक आपके पास में फिर एक साथ में ही एक दूसरा लेटर ही है, तो ये देखिए आपके पास में दूसरा भी लेटर, तो ये भी आपके पास में 4 नंबर का, तो 4 4 8 8 और 5 13 13 नंबर का आपके पास में रहेगा सेक्शन बी, ठीक है। ये हो गया आपके पास में सेक्शन बी, 3 आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से राइटिंग से संबंधित आने वाले हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी के अंतर्गत, सेक्शन सी में हम बच्चों बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की, ग्रामर आती थी लेकिन ग्रामर का पोर्शन ही बिल्कुल अलग किया गया है इस बार इसके अंदर। तो आपके एक तो देखिए कनेक्टिव्स आ गया है, कनेक्टिव लेकर के आपको सेंटेंस रीराइट करना है, ठीक है। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स, 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, हुम और वेयर जो आपके पास में W वाले वर्ड दे रखे हैं और इनको उपयोग करके आपको रीराइट सेंटेंस करना है दो को जोड़ करके,
यानी कि कंबाइंड सेंटेंस बनाना है। फिर कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेज इनटू द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, इसको आपको कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। संयुक्त वाक्य बनाना है अगर हम हिंदी में कहते हैं तो, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस है, इसको आपको इसको भी आपको मतलब जोड़ करके या जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में दो दो चार। और फिर एक और है आपके पास में चार नंबर का ही क्वेश्चन। इसके अंदर आपके पास में चूजिंग गिवन ब्रैकेट्स फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। टू एट ऑन टू विद बाय, ठीक है। ये देख करके आपको टर्नड आउट टर्नड अवे ब्रोक अवे ब्रोक आउट, तो ये देख करके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देख करके चार नंबर के ये फिलअप्स पूछे गए हैं कि इनमें से क्या चीज़ सुटेबल वर्ड आने वाला है। तो आठ नंबर का आपके पास में इस तरीके से टोटल गया है सी सेक्शन। अब हम बात करते हैं बच्चों डी सेक्शन की, बहुत बड़ा सेक्शन जो रहेगा आप लोगों के लिए मार्क्स गेन करने का, ठीक है। आप मार्क्स गेन कर सकते हैं फर्स्ट सेक्शन में भी, सेकंड सेक्शन में भी। सी सेक्शन में थोड़ी पकड़ हो तो आप सी सेक्शन में भी मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब आपके पास में आता है डी सेक्शन। डी सेक्शन में बच्चों इस बार क्या किया गया है, ये देखिए आप पैसेज, ठीक है। पैसेज दिया गया है, पैसेज के अंदर से ही आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। दो पैसेज भी दिए गए, दो ही पैसेज दिए गए हैं। छः नंबर का पहला पैसेज थे, यानी कि आपको जो पहले सेक्शन ए में जो दो पैसेज दिए गए थे वो अनसीन थे, ये सीन है आपकी टेक्स्ट बुक में से दे रखे हैं, ठीक है। छः नंबर का ये, फिर आपके पास में एक ही पैसेज है बच्चों, एक ही है, ठीक है। सिक्स नंबर का आपके पास में एक पैसेज है, तो एक पंद्रह नंबर और छः नंबर, इस तरीके से आपके पास में पासिंग मार्क्स तो आपके आप पैसेज में से ही ले सकते हो, क्योंकि बच्चे हर लेवल के होते हैं बेटा, ठीक है। तो उनको ध्यान में रख करके अगर हम बात करते हैं तो पासिंग मार्क्स तो आप पैसेज में ही ले सकते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे जो आपके पास में क्वेश्चन है फोर फोर नंबर के, वो देखिए इंडिगो है इंटरव्यू इनमें से ले रखा है, डी फाटर में से चार नंबर दो दो नंबर के कुछ जो क्वेश्चन है वो डी फाटर में से आया हुआ है, गोइंग प्लेसेज में से आया हुआ है। इस बार कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यानी कि व्याख्या बता रखी है जो लाइन्स स्टेंजा आएगा, इसलिए आप अपनी पोएम्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। पोएम्स का स्टेंजा, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन, तीन स्टेप के अंदर आपकी व्याख्या होती है। इंग्लिश में भी जैसे हिंदी में होती है ना प्रसंग है भावार्थ है विशेष है इस तरीके से करके, तो इसी यहाँ पर भी तीन स्टेप में ही आपके पास में व्याख्या आती है, रेफरेंस आता है, कॉन्टेक्स्ट आता है, और फिर आपके पास में आती है एक्सप्लेनेशन। तो ये देखिए आपके पास में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये भी आपके पास में छः नंबर का, इसके ऊपर अगर आप पकड़ बनाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है आपके पास में स्कोर करने के लिए, ठीक है। इसमें अथवा में आएगा बच्चों, ये भी ध्यान रखना और में आना है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं आपके पास में 80 वर्ड्स का फोर मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी अथवा में ही आना है और में आना है। फिर हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ये है आपके पास में फोर नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन दो, ये आपके पास में चार नंबर के आने हैं, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपके पास में 15 नंबर वाला क्वेश्चन, ये फोर नंबर का क्वेश्चन है एक ही, जिसके अंदर और आया हुआ है द थर्ड लेवल एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मैं आपको कुछ चैप्टर्स भी बताऊंगी जिसके अंदर से आपको फोर फोर नंबर के चैप्टर्स क्वेश्चंस तैयार करने हैं, केजी में से आएंगे फोर फोर नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस बताने का भी प्रयास किया जाएगा कि इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एक होती है बच्चों पाठ की समरी, समरी टाइप में अगर आप पाठ को याद कर लेते हैं छोटी समरी के टाइप में, तो आप उस पाठ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको उस समरी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश का पेपर होता है वो बच्चों को, हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश का पेपर ज़बरदस्त टफ लगता है कि मैम सब हो जाता है, इंग्लिश में मार्क्स गेन करने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि वो सारा ही चीज़ सारे ही सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि समरी, किसी भी पाठ की समरी वो आप याद कीजिए, मतलब हर पाठ की समरी को याद करने की कोशिश कीजिए जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं उनकी, तो वो समरी अगर आपने याद कर ली तो उसके बाद में आपको पेपर अटेंड करना आसान हो जाता है बच्चों। अब देखिए ये जो दो दो नंबर के हैं, फिर उसके बाद में अब चलिए हम बात करते हैं इसकी पीडीएफ की कोड की, तो इसका पीडीएफ का कोड रहेगा आपका इस पीडीएफ का 51 SHARDA शारदा और 5-1 शारदा
51 SHARDA शारदा 51 यानी कि 51 इस PDF का कोड रहना है शारदा 51। तो अवेलेबल रहेगा ये आपके पास में, और ये देखिए आप चलेंगे हम इसके अंदर फिर आपके पास में टेलीग्राम लिंक के ऊपर, और ये देखिए चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब हम बात करते हैं, देखिए बच्चों ये आपके पास में 16 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। अब हम बात करते हैं चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। ये आपके पास में 6 क्वेश्चन आए हैं, ये आपके बुक में से ही आए हैं MCQ, ठीक है। इन 10 ईयर्स द महाराजा किल्ड अबाउट टाइगर्स, ठीक है। तो ये पार्ट 2 को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा। पिछले साल का भी मैंने मॉडल पेपर अवेलेबल करा रखा है पूरा का पूरा सेक्शन ए ही 12th क्लास में, तो आप उसके ऊपर भी फोकस करिएगा कि 12th में जो PDF आप लोगों को अवेलेबल करा रखी है उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी आपके लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इस साल की मैंने पूरी डैशवर्क आप लोगों को अवेलेबल करवा रही हूँ। तो ये तो फर्स्ट पेपर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपकी ही हेल्प के लिए मैं अपना चैनल चला रही हूँ।